हमारे चैनल फूड विद आफिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट फजी ब्राउनी, जिसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है। ये मैंने आधी कटोरी बटर लिया है, ये मेल्टेड बटर नहीं है बट रूम टेम्परेचर पे है, देख सकते हैं आप बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आपका बटर सॉफ्ट नहीं है तो आप उसको मेल्ट कर ले, और अगर आप बटर ऐड नहीं करना चाहते तो आप रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एक कटोरी भरकर पाउडर शुगर ली है, इसको ऐड कर देंगे। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है शुगर और बटर को। अब मैं मैदा ऐड करूँगी। इसी कटोरी से मैंने पाउडर शुगर ली थी तो इसी कटोरी से मैं मैदा भी लूँगी। यह मैंने पिंच ऑफ बेकिंग सोडा और ये 1 टीस्पून भरकर बेकिंग पाउडर लिया है। यह आधी कटोरी मैंने कोको पाउडर लिया है, इसको डाल देंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। ये मिक्स हो चुके, मैं इसमें एक अंडा ऐड करूँगी। अगर आप एगलेस केक बनाना चाहते हैं तो अंडा मत डालिए। ये मैंने 1 कप दूध लिया है, इसी कप से हमें 1 और आधा कप दूध लगेगा इसमें पूरा, तो थोड़ा थोड़ा करके आप दूध ऐड करते जाइए और इसको मिक्स कर लीजिए। लम्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए हमारा बैटर। ये देखिए हमें 1 और आधा कप पूरा दूध लगा है और हमारा बैटर बनके बिल्कुल रेडी है। इस तरह की थिकनेस चाहिए हमें। ये मैंने मिल्क चॉकलेट ली है, इसको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चोको चिप्स है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका हमारा। ये मैंने केक टिन ले लिया है, इसको मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है, आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हो। ये मैंने बटर पेपर को टिन की साइज़ में कट कर लिया था, इसको इसमें रख देंगे। बटर पेपर को भी मैं बटर से ग्रीस कर दूंगी।
ग्रीस कर लिया है हमने। अब हमारे केक के बैटर को हम इसमें डाल देंगे। इसको हमें टैप कर देना है ताकि एयर बबल्स निकल जाए। इसको मैं साइड में कर दूंगी। हम चॉकलेट ग्लेस को रेडी कर लेते हैं। केक की टॉपिंग हम चॉकलेट ग्लेस से करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने मिल्क चॉकलेट ले ली है। इसमें मैं 2 टीस्पून मिल्क ऐड करूंगी। चॉकलेट को हमें मेल्ट कर लेना है। ये मैंने फ्राई पैन में पानी को बॉईल कर लिया था। ये मेरा माइक्रोवेव सेफ बोल है, इसमें मैं चॉकलेट को मेल्ट कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट ग्लेज बनकर बिल्कुल रेडी है। कितना स्मूथ टेक्सचर आया है इसका। बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर चाहिए हमें, स्मूथ, कोई लम्स नहीं होनी चाहिए इसमें, देख सकते हैं आप। इसको हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और जब तक हम अपने केक को बेक कर लेते हैं, हम विदाउट अवन बनाने वाले हैं केक, जिसके लिए मैंने पतीले को लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए गरम कर लिया था। इसमें मैंने रिंग रख दी है। अगर आपके पास रिंग नहीं है इस तो आप स्टैंड रख सकते हो, प्लेट भी रख सकते हो। केक को केयरफुली रख देना है आपको। अब इसको लीड से कवर कर देंगे और 50 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। ये होल था मेरी लीड में जिससे एयर बाहर ना है आए, इसलिए मैंने लॉन्ग रख दी है उसके अंदर। तो 50 मिनट्स पूरे हो चुके हैं हमारे केक को बेक होते हुए। चेक कर लेते हैं, ये स्टिक लिया है मैंने। ये देखिए केक हमारा परफेक्टली बेक हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, स्टिक क्लीन आई है हमारी। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए केक को हमने बाहर निकाल लिया है। ये बहुत गर्म है फिर भी इसने अपनी साइडों को छोड़ दिया है। इसको हम ठंडा कर लेंगे फ़ैन के नीचे। तो ठंडा कर लिया है मैंने केक को। इसकी किनारों पर हम नाइफ चला लेंगे। तो इसकी किनारों को मैंने निकाल लिया है। अब इसको पलटी कर देंगे हम प्लेट में। तो ये देखिए हमारा केक बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है, इजीली निकल चुका। बटर पेपर को निकाल देंगे।
इसकी जो ऊपर की लेयर है हमको बिल्कुल प्लेन चाहिए, क्योंकि इस पर हम चॉकलेट ग्लेज करने वाले हैं। तो इसके ऊपर की साइड को मैं नाइफ़ से कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने नाइफ से कट कर लिया था ऊपर की साइड को, बिल्कुल प्लेन हो चुका है हमारा केक। अब इस पर ये चॉकलेट ग्लेज कर देंगे हम। स्पून से इसको फैला लेंगे। तो चॉकलेट ग्लेज से हमने टॉपिंग कर दी है केक की, देख सकते हैं आप। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस हमारा केक बनकर रेडी हो गया है। अब मैंने ये चॉकलेट स्प्रिंकल ले लिया है, इसको मैं केक के ऊपर डाल रही हूँ। ये मैं डेकोरेट के लिए डाल रही हूँ, आप एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हो। अगर आपके पास चोको चिप्स है तो आप वो भी डाल सकते हो इस पर। मैं इसको फ्रिज में थोड़ा सेट होने के लिए रख दूँगी। तो सेट हो चुका है हमारा केक, अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही डिलीशियस हमारी चॉकलेट फजी ब्राउनी बनकर रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। मैं इसको सर्व करके बताती हूँ आपको, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और यम्मी है, जितनी ये दिखने में लग रही है उतनी खाने में।